सो स्टूडेंट्स, अभी आपने हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, ठीक है ना, डेजर्ट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करा, सी, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, अब प्लेन्स के बारे में. अब आप देखिए, सम अदर लैंड फॉर्म्स, कुछ और लैंड फॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि आइलैंड हो गया हमारा, लेक है, उसके बाद इस्थमस है, स्ट्रेट है, पेनिनसुला, बे, ठीक है. तो अब आपको इन सब के बारे में हम नॉलेज देंगे. आप देखिए, फर्स्ट इज सम अदर लैंड फॉर्म्स में फर्स्ट है हमारा आइलैंड. एंड आइलैंड देखिए, इसमें ना एस साइलेंट होता है, तो ये आइलैंड ही स्टडी करते हैं, रीड करते हैं. एंड आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. आइलैंड क्या होता है? जो कि हर जगह से सराउंडेड बाय वाटर, वाटर से घिरा होता है. मीन्स कि एक ऐसी जगह जो पूरी कवर्ड, किसी आसपास का पूरा एरिया क्या होता है, उसका वाटर से सराउंडेड होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा, आइलैंड. ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा कैसा कॉन्टिनेंट है? आइलैंड कॉन्टिनेंट. अब देखो, मैं आपको पिक्चर में भी दिखाती हूँ. देखिए बच्चों, अब आपको इसमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की पिक दिखाई दे रही होगी. ये हमारे कॉन्टिनेंट्स की पिक्चर्स थी सारी, और इसमें आप येलो कलर में ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के आसपास कोई लैंड दिख रहा है? देखिए, कोई भी लैंड नहीं दिख रहा. इट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास सिर्फ वाटर ही वाटर है. मीन्स कि पूरे वाटर के बीच में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका नेम क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. सो ओपन आइलैंड इन द सी आर द टॉप्स ऑफ वेरी टॉल अंडर वाटर माउंटेन्स. हमेशा अधिकतर क्या होता है, जो आइलैंड होते हैं सी के अंदर, वो माउंटेन्स के अंडर वाटर होते हैं, ठीक है, अंडर वाटर माउंटेन्स में होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं. उनके जो टॉप होते हैं वो अंडर वाटर माउंटेन्स में होते हैं. उनकी जो टॉप होती है वो अंडर वाटर माउंटेन्स होती है. अ ग्रुप ऑफ आइलैंड फाउंड क्लोज टूगेदर, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं जो एक साथ आसपास मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? आर्किपेलागो. जी, इट्स प्रोनाउन क्या? आर्किपेलागो, ठीक है. बहुत सारे बच्चे इसको क्या रीड करेंगे? आर्ची. इसलिए मैंने पहले बताया आर्किपेलागो, इसको आर्ची नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम? आर्किपेलागो, आर्किपेलागो, आर्किपेलागो. द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी इज एन आर्किपेलागो. ओके, जो लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी का, वो क्या है हमारा? आर्किपेलागो. अब देखिए नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा? लेक. लेक, अ लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय लैंड. लेक क्या होता है? अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होता है जो कि सराउंडेड होता है ऑल साइड बाय लैंड, जो कि लैंड से पूरा सराउंडेड होता है. देखो, आइलैंड का बिल्कुल ऑपोजिट लेक होता है. आइलैंड में क्या होता है कि जो लैंड होता है वो सराउंडेड बाय वाटर होता है ऑन ऑल साइड्स, और जो लेक होती है, लेक में क्या होता है? बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय लैंड, वो लैंड से सराउंडेड होती है. देखो, मैं आपको इन दोनों की पिक्चर भी दिखाती हूँ. देखिए, इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये आइलैंड है, जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है वो वाटर है. सो आइलैंड में देखिए, बीच में एक लैंड है ब्राउन, जो दिख रहा है आपको ब्राउन और एक ग्रे कलर का, तो ये जो बीच में है ये लैंड है और सराउंडेड बाय वाटर है, दैट इज आइलैंड. और सेकंड क्या है हमारा? लेक है. लेक में आपको दिख रहा होगा कि बीच में वाटर है और आसपास का जो लैंड है, तो लैंड से घिरा हुआ जो बीच का पोर्शन होता है वो क्या कहलाती है हमारी? लेक होती है. और वाटर से घिरा हुआ जो बीच का पार्ट होता है ये हमारा कहलाता है आइलैंड. द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैज मैनी लार्ज लेक्स. जो कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है उसमें बहुत सारी लार्ज लेक्स है. द कैस्पियन सी इन एशिया इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक. देखिए, यहाँ पिक्चर में आपको कैस्पियन सी नजर आ रहा होगा. जो कैस्पियन सी है इसके आसपास लैंड ही लैंड है, ठीक है, तो लैंड के बीच में जो है पूरा वाटरी एरिया जो है वो क्या कहलाती है हमारी? लेक कहलाती है. सो कैस्पियन सी का जो एरिया है वो क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक. सो स्टूडेंट्स, ये लेक इतनी लार्ज है, इतनी लार्जेस्ट है कि इट इज सो लार्ज दैट इट इज कॉल्ड अ सी.
यह इतनी लार्ज लेक है कि इसको हमने सी नेम दे दिया था, तो हमने बोला कैस्पियन सी। स्मॉलर वाटर बॉडीज सराउंडेड बाय लैंड आर कॉल्ड पॉन्ड्स। अब देखें, स्मॉलर वाटर बॉडीज सराउंडेड बाय लैंड, अब लैंड से सराउंडेड जो छोटी स्मॉल वाटर बॉडीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं हमारे, वो पॉन्ड कहलाते हैं। पॉन्ड्स तो आपने गांव में भी देखे होंगे या फिर शहर में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। देखा ना पॉन्ड में लोटस के फ्लावर्स भी जो है ग्रो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट लैंड फॉर्म इज इस्मस। एन इस्मस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच जॉइंस टू लार्ज पार्ट ऑफ लैंड। इस्मत क्या होती है, और एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है जो कि टू लार्ज लैंड के जो टू लार्ज पार्ट है उसको क्या करती है, ज्वाइन करती है। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर ज्वाइन बाय एन इस्मस कॉल्ड द इस्मस ऑफ पनामा। ओके, सो आपको मैं इस्मस की पिक्चर भी दिखा देती हूँ। देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ इस्मस। क्या होता है इसका मतलब, कि जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होते हैं विच जॉइंस टू लार्ज पार्ट ऑफ लैंड। अब देखिए, आपको यहाँ पर वाटर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तो ये वाटर को जो है जॉइन कर रही है। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच जॉइंस टू लार्ज पार्ट ऑफ लैंड, यही होता है हमारा इस्मस। ओके, नेक्स्ट इट स्ट्रेट। समटाइम्स अ नैरो स्ट्रेच ऑफ द सी फ्लोस बिटवीन टू लार्ज लैंड एरियाज। कई बार क्या होता है कि नैरो स्ट्रेच ऑफ सी जो होती है, समटाइम्स अ न्यू स्ट्रेच ऑफ द सी फ्लोज बिटवीन टू लार्ज लैंड एरियाज। कई बार जो सी होता है वो टू लार्ज लैंड एरियाज के बीच में फ्लो करता है। दिस स्ट्रेच ऑफ वाटर ज्वाइनिंग टू लार्ज एक्सपेंसिव ऑफ सी इज कॉल्ड अ स्ट्रेट। ये स्ट्रेच ऑफ वाटर जो होता है ज्वाइन करता है जो टू लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ सी, सी सी वाटर को जो है ज्वाइन करता है, इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट। द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड द आइलैंड ऑफ श्रीलंका। इट जॉइंस द वाटर ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। देखिए, ये स्ट्रेट की पिक्चर है। अभी देखिए, अभी मैंने आपको इस्मस बताया था, ठीक है, जो टू टू साइड वाटर होते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है, दिस इज इस्मस। एंड स्ट्रेट क्या होता है, टू लैंड्स होते हैं साइड में और बीच में जहाँ पर वाटर फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। सो स्टूडेंट, जो पाक स्ट्रेट है जो किस किस के बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के आइलैंड्स के बीच में है, वो भी स्ट्रेट ही है, तभी एक स्ट्रेट ही है, तभी उसका नाम क्या पड़ा है हमारा, पाक स्ट्रेट। एक जॉइंस, ये क्या क्या जॉइंस करता है, द वाटर ऑफ द बे ऑफ बंगाल। एक तो बे ऑफ बंगाल का वाटर और एक अरेबियन सी, इन अरेबियन सी का भी वाटर होता है, उसमें वाटर ही होता है अरेबियन सी में, और बे ऑफ बंगाल में भी क्या होता है, वाटर ही होता है। सो जो पाक स्ट्रेट होता है वो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, इन दोनों को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट इज पेनिनसुला। अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड That is surrounded by the sea on three sides. Peninsula जो होता है एक ऐसा land होता है जो कि three sides से तो water से surrounded होता है, but joined to a large piece of land on the fourth side. लेकिन इसकी जो fourth side होती है वो किससे join होती है, land से join होती है। The southern half of India has the sea on three sides. This part of India is a peninsula. हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न हाफ पार्ट है, जहाँ पे केरल और केरल पड़ता है हमारा, तमिलनाडु एंड केरल पड़ता है ना, वहाँ पर तो वाटर है, लेकिन इंडिया का जो अपर पार्ट है वो किससे ज्वाइन है हमारा, लैंड से ज्वाइन है। तो देखिए, आपको इसमें इंडिया नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, इस कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया दिख रहा होगा। सो इंडिया का जो कुछ पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, वो पूरा किस में है, पानी के साथ ही है, वाटर के साथ इंक्लूडिंग है। ओके, तो थ्री साइड जो इंडिया की है वो सराउंडेड बाय वाटर है। ओके, और वन साइड दैट इज जॉइंड बाय लैंड, जो कि लैंड से जॉइंड है। सी द पिक्चर ऑफ पेनिनसुला, दिस इज द पिक्चर ऑफ पेनिनसुला। अब इसमें देखिए, ये एक लैंड दिख रहा होगा आपको और उसके आसपास वाटर नज़र आ रहा होगा।
सो थ्री एरिया ऑफ वाटर ना, एक एरिया जो होता है थ्री साइड से किससे घिरा हुआ होता है, वो वाटर से, और वन साइड किससे होता है, वो कन्वर्ट लैंड से कन्वर्ट होता है। सो दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, पेनिनसुला। नेक्स्ट आता है हमारा बे, दैट इज हिंदी में क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं जिसको कि। व्हेन अ पार्ट ऑफ द सी फिल्स अप अ वाइड कर्व इन द लैंड वी कॉल दिस इज अ बे। व्हेन अ पार्ट ऑफ द सी, जब सी का एक पार्ट फिल अप विद अ वाइड वाइट कर्व इन द लैंड, लैंड के वाइट कर्व से घिरा हुआ होता है, फिल होता है, वी कॉल इट इज अ बे। द बे ऑफ बंगाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बे। अब बे से ही मैंने आपको बताया था, द बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, यही इस एक बे का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सी यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बे, आपको इसमें बे की पिक्चर नजर आ रही होगी, आपको इसमें कर्व नजर आ रहा होगा, है ना। तो ये जो कर्व होता है लैंड में, जो इस तरह से कर्व बन जाता है, इट इज कॉल्ड अ बे। सो स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक जो था, ये चैप्टर जो है, चैप्टर 6 में मेजर जियोग्राफिकल फॉर्म्स कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने जो टॉपिक कवर करे हैं वो हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड सीज, माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज, रिवर्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड सम अदर लैंड फॉर्म्स, जिसके अंदर हमने बहुत सारे लैंड फॉर्म्स की भी स्टडी करी है, जैसे कि हमारा इस आइलैंड एंड लेक, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट्स होते हैं, और उसके साथ में हमारे इस्मस एंड स्ट्रेट, ओके, एंड द लास्ट इज पेनिनसुला एंड बे। सो हमारा टॉपिक कवर्ड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।